तेहरान के मज़ाफ़ात में शहर रे ईरान की एक अहम तरीन ज़ियारत बीबी शहरबानों का मज़ार। तेहरान में मैंने अपनी दोस्त ज़ैनब सईदी साहबा को कहा कि मुझे जो तेहरान देखना है तो वो आप मेरी मर्ज़ी से दिखाएंगी। जब मैंने उन्हें कहा कि मुझे बीबी शहरबानों की ज़ियारत ले चलो तो उन्होंने कहा, हम ईरानी इस ज़ियारत से इतने आशना नहीं, यहाँ पर हर वक्त पाकिस्तानियों का मेला लगा रहता है जो ज़ायरीन पाकिस्तान भर से बसों में आते हैं। ये सफ़र अक्टूबर 2022 में था। बीबी शहरबानो शहर रे में मदफन हैं। उनका मज़ार मुबारक एक पहाड़ी की चोटी पर, खुश्क पहाड़ी की चोटी पर है। शहर रे ईरान के कदीम तरीन शहरों में से एक है। ये दरअसल अवलीन तेहरान था, अब ये तेहरान का एक सबब है। मेरी किताब मैं हूँ जहांगर्द में इस मज़ार मुबारक शहर रे और हज़रत शहरबानों का बहुत ज़िक्र है। ज़ैनब ने बीबी शहरबानों के मज़ार मुबारक की पार्किंग में जब गाड़ी पार्क की तो वहाँ लाहौर, पंजाब, झंग से आए जो ज़ायरीन थे उनका ही झमघटा था। पंजाब की वो बसें जो लाहौर के शहरों में भी नहीं अब चलती, वो ज़ायरीन इन बसों पर बैठ के आते हैं। मैं हूँ जहांगर्द में भी मैंने यही ज़िक्र किया कि 1983 में बिल्कुल यही मंज़र था जो 2023 में मैंने वहाँ देखा। ज़्यादा ज़ायरीन झंग, सरगोदा, मुल्तान और इन इलाक़ों से थे और लगता था कि मैं ईरान नहीं पाकिस्तान में हूँ। ये ज़ायरीन मुझे वहाँ देखकर बहुत खुश हुए जैसे मैं उनको देखकर खुश हुआ। वहाँ पर गिलगित से आए, सकरदू से आए ज़ायरीन भी थे, लेकिन सरगोदा और झंग से आए ज़ायरीन से जब मैंने अपनी सरगोदवी ज़बान में बात की तो वो मुझे देखकर बहुत खुश हुए। मुझे 1983 फिर याद आ गया, लगा कि मैं आज फिर 1983 में खड़ा हूँ और मुझे अपनी किताब मैं हूँ जहांगर्द की वो सतूर यहाँ बयान करना ज़रूरी है जो मैंने इस मज़ार और शहर रे के हवाले से अपनी किताब में लिखी 1983 के सफ़र में। वो सतूर कुछ यूँ हैं। बीबी शहरबानों के इंतकाल के हवाले से मुख्तलिफ़ नुक्ताहाए नज़र हैं, मगर सबसे ज़्यादा मकबूल ये है कि करबला के मैदान में हज़रत इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने बीबी शहरबानों को हुक्म दिया कि वापस ईरान चले जाओ। हज़रत इमाम हुसैन के हुक्म के मुताबिक जब वो शहर रे पहुँची तो उन्होंने इस पहाड़ के पास पहुंचकर अल्लाह की मदद को लिए के लिए पुकारा और उन्होंने कहा, या अल्लाह। पहाड़ फटा और पहाड़ ने बीबी शहरबानों को अपने अंदर समो लिया और उनकी चादर का एक किनारा चट्टान से बाहर रह गया। बीबी शहरबानों के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी के लिए
पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते मेरी सांसें फूल चुकी थीं। मैं हूं जहांगर, इस किताब की चंद सतूर और पेशे खिदमत हैं। दूर से ही तेहरान की गुंजान आबादी नजर आने लगी। बीबी शहरबानो के मज़ार मुबारक पर फातिहा पढ़कर बाहर निकला तो देखा कि पाकिस्तानी ही पाकिस्तानी, सियाह शलवार कमीज़ों और सियाह चादरों में मलबूस पाकिस्तानी ज़ायरीन का एक काफ़िला ज़ियारत के लिए इधर मौजूद था। बुलंद आवाज़ में बोलते और या अली या हुसैन के नारे लगाते पंजाबी। नीचे दो बसें खड़ी थीं जो लाहौर से यहाँ तक आईं। बसों का मेयार बेदियां गांव लाहौर की तरफ चलने वाली बसों से ज़्यादा बेहतर ना था। दीगर अकवाम के ज़ायरीन भी वहाँ मौजूद थे, मगर जो रूहानियत इन पंजाबी ज़ायरीन ने दिखाई वो सबसे मुख्तलिफ थी। ऊंची आवाज़ में गुफ्तगू, अली और हुसैन के नारे, बीमार ज़ैनुल आबदीन और शहदाए करबला का जिक्र करते नोहा कना, देखते ही देखते एक दायरा बना, नौजवान सेहतमंद पंजाबी ज़ायरीन और फिर ऐसा भरपूर मातमे करबला हुआ कि हज़ारों मील का सफ़र करके आए इन पाकिस्तानियों के गमे करबला के मुजाहरे को देखकर वहां मौजूद वस्ती एशिया, अफ़गानिस्तान और अरब ज़ायरीन भी आबदीदा हो गए। जब तगड़े पंजाबी सीना को भी करते इनके चौड़े सीनों पर मातम कुनाई की धमक सी धमक पैदा हो रही थी। मातम की दिल को दहला देने वाली आवाज़ के साथ आसमान को पहुंचने वाले बुलंद नारे अहले वतन को देखकर एक बार तो मेरा दिल चाहा कि मैं भी गमे हुसैन में इसी अंदाज में शरीक हो जाऊं, लेकिन मुझे जल्द अज जल्द शहरे रे की सियाहत करना थी। तेज़ कदम नीचे पहुंचते पहुंचते मैंने एकदम सुना, पयान पयान फरख, ओ पयान फरख, लाहौरी लहजे में भाईजान फरुख, भाईजान फरुख। ये कैसी आवाज़, ये कैसी गैबी आवाज़ मुझे बुला रही थी इस खुश मैदानी पहाड़ी इलाके में। मैं चौंका इधर उधर बेचैनी से इस आवाज़ की सिमत देखने की कोशिश करने लगा। देखा तो पायान, ओ पायान फरुख करता हैदर अली शेख हाथ हिलाता हुआ मेरी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। ओ मेरे खुदाया, शेख साहब आप यहाँ भी? ये सतूर मैंने 1983 के सफ़रनामे के दौरान लिखी, लेकिन आज भी यहाँ ऐसा ही मंज़र था जो मैंने दहाइयों पहले देखा। स्याह कपड़ों में मलबूस ज़ायरीन, गमे करबला में डूबे, थके टूटे, हज़ारों मील का सफ़र करते बेवसीला ज़ायरीन, आले रसूल से मोहब्बत में जिस तरह सरशार थे वो मंज़र काबिले दीद था। मुझे ज़ैनब सईदी कहने लगी, फर्रुख साहब ये पाकिस्तानी ज़ायरीन थकते नहीं? मैंने कहा, मैंने आज से 40 साल पहले भी यही सीन देखा था। ये जो लोग आज यहाँ आए हैं कहीं तो इनमें से पैदा भी नहीं थे हुए। जब मैंने इन ज़ायरीन को अपनी सरगोदेवी आवाज़ में कहा कि नारा बुलंद करो या अली का, तो ईरानी दोस्त मेरी जो मुझे अपना उस्ताद कहती हैं, ज़ैनब सईदी भी हैरान रह गईं। इतनी बुलंद आवाज़ में सरगोदा और झंग के पंजाबियों की हज़रत अली के इश्क में नारा लगाने की आवाज़ काबिले दीद थी, उनकी मोहब्बत काबिले दीद थी। मोहब्बत आले रसूल से करना, मैंने जो इसका मुजाहरा हमेशा देखा वो झंग सरगोदा मुल्तान के लोगों पे कमाल है। ऐसा ही मंज़र मैंने बीबी ज़ैनब के मज़ार दमिश्क में भी देखा। बीबी शहरबानो का मज़ार शहर रे में है और शहर रे ईरान के, जैसे मैंने कहा, कदीम तरीन शहरों में से एक है। इसकी तारीख का ज़िक्र, इस शहर का ज़िक्र, हज़रत बीबी शहरबानो का ज़िक्र मैंने अपनी किताब जहांगर्द में किया है।
और एक रवायत ये भी है कि बीबी शहर बानो की एक बहन हिंदुस्तान में ब्याही हुई थी, राजपूतों में। इसीलिए जब अहले बैत पर करबला का सानिया बरपा होने लगा तो राजस्थान के राजपूत हज़रत इमाम हुसैन की मदद के लिए पहुँचे। कहा जाता है कि हिंदुकश से कभी किसी ने पहाड़ पार नहीं किए, यहाँ से तलवार लेकर लोग दुनिया को फतह करने नहीं गए। ये वाहद वाक़या है जो तारीख में मिलता है कि बर्रे सगीर के या हिंदुस्तान के लोग जो राजपूत थे हज़रत इमाम हुसैन की मदद के लिए हिंदुकश पार हुए और अफ़गानिस्तान के पख्तिया के बर्फानी इलाकों में बर्फ़ के तूफ़ान में गर्क हो गए। इसीलिए आज भी राजस्थान के अंदर वो राजपूत घराने इमाम हुसैन का जिक्र करते हैं। इन्हें ब्राह्मण हुसैनी भी कहा जाता है, और भी नाम हैं इनके। ये बीबी शहरबानो से इश्क की एक वजह हिंदुस्तान के लोगों की शायद ये भी हैं कि उसकी तारीखी जड़ें यहाँ के लोगों से जुड़ी हुई हैं। शहरे रे मेरे लिए बीबी शहरबानो के मज़ार से लेकर तुगरल का वो मीनारा भी था जो आज से तकरीबन 1000 साल पहले तामीर हुआ, वो भी दुनिया का एक अजूबा है। उसका जिक्र भी मैंने मैं हूँ जहांगर्द में किया। जब जैनब को लेके मैं तुगरल टावर पे गया तो वहाँ मुझे कासम मिले, जिसकी एक क्लिप बना चुका हूँ और इस तुगरल टावर का जिक्र कर चुका हूँ। वो तुगरल सलजूक बादशाह जो शहर रे में तख्त नशीन था, ये उसका एक अजूबा है। और शहर रे से मुझे मोहब्बत बीबी शहरबानों के मज़ार से लेकर तारीख़ के बिखरे हुए आसार में मिलती है। मुझे तारीख़ से, तहजीबों के आसार से इंसानी सफ़र को समझने का मौका मिलता है, आज के इंसान को समझने का मौका मिलता है, आज की तहजीब को, इंसानी सफ़र को समझने का मौका मिलता है, इंसान के मुस्तकबिल में झांकने का मौका मिलता है। इंसान का सफ़र, इंसानी तहजीबों का सफ़र मेरे लिए बहुत अहम मालूमात का एक दायरा है। शहर रे मेरे इन सफ़रों में से एक है जिसका जिक्र मैंने अपनी किताब मैं हूँ जहांगर्द में किया है। Get out!